हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, हम बात करेंगे एलपी सीवीटी 2 के 5 जोन जिनको साइको के लिए बुलाया जाएगा। तो इनके नंबर कितने बन रहे हैं इनके जिनके साइको के लिए बुलाया जाएगा, तो इस वीडियो में हम वही प्रॉपर बात करेंगे पूरा डिटेल्स और प्रूफ के साथ। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम इस फाइव सेफ जोन के बारे में बात करते हैं जिनके साइको के लिए बुलाया जाएगा। हेलो फ्रेंड, मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मैंने एक कटअप का भी वीडियो बनाया था जिसमें आपको पहले भी एक दो जोन को जैसे पटना मुजफ्फरपुर इस सब के मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि वहाँ पे मिनिमम कटअप रहेगी एलपी के लिए। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी देखिए, आपको मालूम चल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं पहला सेफ जोन बता रहा हूँ, उसमें भी मैंने बताया था मुजफ्फरपुर, जिस पे आप जानते हैं कि CVT 1 में यहाँ पे कट ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के जनरल OBC SC एंड ST की कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं। वो जनरल की कट ऑफ थी 40.01 या 02 भी है तो मान के चलिए 40 इसको मानते हैं हम लोग। OBC की 30, ST की 30 और SC और ST की 25.7 और 25.03 थी। तो इसमें इतनी कटअप गई थी। और आपको बता दूं कि इसमें 15 गुने सीट के 15 गुने लड़के चाहिए थे इनको। 456 सीट थी जिनके CVT 1 में, जिसमें क्वालिफाई करने थे CVT 2 के लिए इनको, इतने नंबर ऑफ 6840। इनमें बता दूं कि इनके लड़के इतने नहीं मिले थे, इसलिए इन्होंने मिनिमम कट ऑफ रखने के बाद भी इनके इतने लड़के नहीं मिले थे। तो यहाँ पे आपको साइको के लिए इतने सीट का 8 गुना बुलाना है, जिसमें 3648 लड़के को साइको के लिए बुलाना जाना। तो आपको बता दूं, जो लड़के एलपी प्रेफरेंस भरे थे उनको तो बुलाया ही जाएगा। अगर जो टेक्नीशियन भी भरे थे और सेकेंड या थर्ड या फोर्थ में एलपी भी प्रेफरेंस भरे थे, तो उनको भी अगर लड़के इतने नहीं पूरेंगे 3648, तो इनको भी इसमें बुलाया जाएगा। मान के चलिए अगर 15 लड़के हैं, अगर इसमें से इनको 10 की ज़रूरत है तो 10 को बुला लिया जाएगा, जो शुरू में जिसके नंबर होंगे उनको, तो इनको भी इसमें साइको के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि इसमें आप लोग जानते हैं कि CVT 1 में इनको 15 गुने लड़के नहीं मिले थे और यहाँ 8 गुने को बुलाने हैं। आप लोग भी जानते हैं कि कुछ बंदे के यहाँ पे 9 नंबर 10 नंबर भी आ रहे हैं, तो उनके कितनों भी नॉर्मलाइजेशन होगा तो तब पर भी 26.5 मतलब 25 मान के चलिए 5 नहीं पूरेंगे तो वो लोग ऐसे ही छटेंगे। तो इनको 8 गुना को बुलाने हैं तो इतने लड़के पुराने के लिए, तो यहाँ भी कटअप कम मिनिमम रहेगी। अगर आपके जनरल की बात करें तो मैं पहले भी वीडियो में बताया था, अगर 40 नंबर आ रहे हैं तो आपके चांस है प्लस अगर 2 नंबर हैं तो एकदम बिल्कुल सेफ है। प्लस 2 से 3 नंबर अगर और भी आपका आपके कैटेगरी में जनरल हो या OBC हो कटअप के अनुसार से अगर ज़्यादा हैं तो बिल्कुल एकदम आप लोग साइको के प्रिपरेशन चालू कर दें। तो मैं इस वीडियो में आपको 5 जोन इसीलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो LP साइको के लिए भरे होंगे, LP पहला प्रिपरेंस होगा तो उनको तो बोला ही जाएगा। अगर टेक्नीशियन पहला होगा बाद में उनका LP होगा, अगर मान के चलिए जिसके टेक्नीशियन के नंबर नहीं है तो उनको भी तो LP के लिए बुलाया जाएगा। तो हो सकता है कि उनको 8 गुना लड़के को यहाँ से पुर ले, तो टेक्नीशियन वाले को भी यहाँ से इनको बुलाया दिया जाएगा। तो आप चलिए हम अब दूसरा जोन की बात करते हैं, गोरखपुर। गोरखपुर की बात करें तो यहाँ भी देख सकते हैं कि कटअप के अनुसार से ही कटअप गई थी। यहाँ पे इनके हो सकते हैं 0.101 हो, तो मैंने एक सेफ राउंड में लिया था जितने यहाँ 0.01 थी ST की। तो आप लोग जान सकते हैं यहाँ पे सीट जितनी थी LP के लिए CVT 1 में जो क्वालिफाई करने थे, 1681 के 15 गुने 2225 और साइको में बुलाए जाने हैं इनके 1300 यहाँ पे एक मिस है, मैं इसको सही कर देता हूँ।
फ्रेंड यहाँ पे एक मिस हो गई थी, यहाँ पे 15 गुना इनके यहाँ पे 1 आएगी, यहाँ पे 2 1 2 5 2 1 5 गुने पुट रहे हैं, यहाँ पे मिस हो गई थी इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो देखिए इतने गुने के बुलाने थे और साइको में इनको चाहिए थे 13,448, तो इनको इतने गुने भी नहीं मिले थे, इनके भी यहाँ पे 15 गुने लड़के नहीं सेलेक्ट हुए थे CBT 1 में। तो जो तो यहाँ पे जिनके नंबर मिनिमम वही 40 प्लस 2 नंबर अगर सेफ है जिनके, तो उनको साइको के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे ALP के लिए से बात करता हूँ, अगर टेक्नीशियन वाले भी जो ALP प्रिफ्रेंस दिए होंगे तो उनको भी बुलाया जाएगा। तो जो क्योंकि टेक्नीशियन में भी तो हो सकता है कि उनके नंबर ना हो तो ALP में हो, तो ALP के लिए फिर उनको बुलाया जाएगा। अब तीसरा जोन की बात करते हैं, तीसरा जोन पटना। तो देखिए यहाँ पे CBT 1 में सेलेक्ट करने थे 7 7 15 गुना, तो कितना 10,800, और साइको के लिए बुलाना था 5,760। तो यहाँ भी मिनिमम कटअप गई थी सिर्फ ये 2 मैकेनिकल पोस्ट के जनरल और OBC के छोड़कर, इनके हो सकते हैं कि 5 से 7 नंबर कटअप हाई चली जाए ये दो पोस्ट के लिए, मैकेनिकल में जनरल और OBC की, नहीं तो जितने भी हैं उनको भी यहाँ पे सेफ होंगे, वो भी अपने 40 से लेके 42 43 नंबर हैं तो आप लोग सेफ हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इतने लड़के इतने गुने इनको नहीं मिले थे, यहाँ भी 15 गुने लड़के सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, और जो भी अगर मान के चलिए 12 गुने या 13 गुने लड़के सिलेक्ट हुए, तो आप लोग भी जानते हैं कि किसी लड़के CBT 1 में नंबर कम, बहुत बहुत ज़्यादा नंबर कम है, तो वो सिलेक्ट होंगे भी नहीं नॉर्मलाइजेशन के बाद भी नहीं, तो वो लोग तो ऐसे ही छट जाएंगे। अब बच जाएंगे 8 गुने इनको सिलेक्ट लेने हैं साइको के लिए, तो ये इतना लड़के यहाँ पे। चौथा जोन की बात करें भुवनेश्वर, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिकल की थोड़ी सी हाई गई थी और मैकेनिकल की कटअप कम गई थी, तो यहाँ पे भी आप सेफ हैं अगर आपके नंबर वही 40 से 42 43 के नंबर, अगर 44 नंबर आ रहे हैं तो आप लोग साइको के लिए कंफर्म हैं। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि सीट थी इतनी लड़के 33,420 सेलेक्ट करने थे, जिनमें 15 गुने CBT 1 के पास, CBT 2 के लिए जिनके लड़के इतना भी यहाँ नहीं मिल पाए थे। तो अब बात करें साइको के लिए, तो इनको 17,824 लड़के साइको के लिए इनको बुलाने हैं, तो हो सकता है कि इनके भी कट ऑफ एकदम कम रहे, मिनिमम 40 से लेके अगर 42 43 45 हो तो एकदम कन्फर्म हो कि आप लोग साइको की तैयारी चालू कर दो। अब बात करें कि जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे सबसे कम कटअप गई थी, आप लोग भी देख सकते हैं सबसे कम कटअप गई थी 40 जनरल की, OBC की 32.37 और ST की एकदम जितने इनके क्राइटेरिया परसेंटेज डिसाइड कर गई थी तो उतना ही गई थी। तो यहाँ अगर आप लोग हैं तो यहाँ भी आप लोग सेफ हैं, क्योंकि यहाँ भी नंबर ऑफ सीट 357 के 15 गुने लेने थे, जो इनके इतने गुने लड़के नहीं मिल पाए थे, और उसके बाद इसीलिए तो कट ऑफ इतने कम है। आपको लोग कहें कि आप लोग कैसे हैं, तो आप लोग जो रिवाइज रिजल्ट आई थी CBT 1 एंड CBT 1 का जो पहले रिजल्ट आई थी और CBT 1 का जो रिवाइज रिजल्ट आया था, उसमें आप लोग सीट देख सकते हैं जाकर कि इतने लड़के नहीं मिले थे, इसीलिए इनके कट ऑफ मिनिमम रखने के बाद भी ये लड़के सेलेक्ट इतने नहीं हुए थे, और साइको में भी इसके 8 गुने बुलाने हैं। तो ये रही आपके 5 सेफ जोन, अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट करके मुझे बताएं और डाउट क्लियर करें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो ईमेल भी करके पूछ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल रख दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट में आपसे फिर मिलते हैं।